Good morning everyone. Let's start chapter 17 Moonwalk. This is a chapter about Kalpana Chawla. Everybody know about the Kalpana Chawla? Kalpana Chawla was born in Karnal, India. She was the first Indian American astronaut and first Indian woman to go to space. Space Indian woman thi. She first flew on space shuttle Columbia in 1997. एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर कल्पना वॉज असाइंड द टास्क ऑफ रिलीजिंग स्पार्ट एंड द सोलर फिजिक्स सेटेलाइट फ्रॉम द स्पेस शटल्स बे बट इधर असिस्टम मैनी फंक्शन और एन एरर ऑफ जजमेंट कोर्स इट टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल एंड इट टू अ डेयरिंग स्पेस वर्क बाई द क्रू टू रीच यू इट कल्पना चावला जो थी वो एक स्पेस मिशन था जिसमें आ, जिसमें कुछ एरर आने के कारण डेथ हो गई थी उनकी लेकिन उन्हों, उन्होंने जो काम किए जो भी उन्होंने वर्क किए वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए ये एक, एक एक्सट्रेट एक्सट्रेट मीन्स कोई इंटरव्यू से कहीं से कुछ जो पार्ट लिया जाता है किसी भी जगह से वो तो दिस इज एन एक्सट्रेट ऑफ एन एक्सक्लूसिव टेलीफोनिक इंटरव्यू जो किस किस के बीच हुआ था कल्पना चावला का हुआ था राज चंगम्पा जो कौन थे डेप्यूटी एडिटर थे इंडिया टुडे के कहाँ से हस्टन से हस्टन एक प्लेस है जहां पर डेप्यूटी एडिटर है राज चिंगपा उनसे कल्पना चावला की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उस कन्वर्सेशन में क्या बात हुई है कैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसिस को उस उनके साथ शेयर किया है ये इसमें बताया गया है राज इसमें दो लोगों के बीच की बातें हैं राज राजिंगप्पा एंड कल्पना वेन क्वेश्चन इज वेन यू आर फर्स्ट फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ग्रेविटी आफ्टर लिफ्ट ऑफ कैन यू डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मेंटल फीलिंग आ, राज ने इनसे पूछा कि जब आप ग्रेविटी जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके क्लासेस से जब फ्री हुई जब उससे ऊपर निकली तो क्या आपकी जो फिजिकल और मेंटल फीलिंग थी उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे देन कल्पना से इस वेन एवर यू लिफ्ट ऑफ द प्रेशर इज सपोज टू तो बी मैक्सिमम बट एक्चुअली इट वॉज वेरी बेंगिन वेरी एंजॉयबल बट एज सुन एज द इंजन कट ऑफ एंड यू गेट टू जीरो ग्रेविटी यू फील एज इफ यू वर बींग पुस्ड ऑफ योर सीट कैसा महसूस होता है जैसे ही आप जीरो ग्रेविटी में चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी सीट से बिल्कुल ऊपर उठ गए हो और डिस आप फील करते हो आप किसी भी चीज़ से जुड़े हुए महसूस नहीं करते हो कुछ घंटों के लिए ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं आई वॉज फॉलिंग ऐसा लगता है कि मैं गिर रही हूँ इनफैक्ट यू आर इन अ फ्री फॉल बिल्कुल फ्री आप हो जाते हो हवा में कहीं भी इधर उधर इनबैलेंस आप हो जाते हो क्योंकि ये सब किस लिए होता है जीरो ग्रेविटी के कारण शुरू के जो कुछ आर्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो एकदम से इस एक्सपीरियंस का मैजिक जो है वो रियलाइज नहीं हो पाता क्योंकि उस एनवायरनमेंट से कॉपअप करना उस जीरो ग्रेविटी के साथ कॉपअप करना थोड़ा सा समय लेता है लेकिन उसके बाद जो ये फीलिंग है ये इस वर्ल्ड की लिटरली आउट ऑफ आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग है मतलब इतना ज़्यादा मैजिकल फील होता है जीरो ग्रेविटी में कुछ समय के बाद जिसको uh, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता वॉट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अबाउट बींग इन जीरो ग्रेविटी क्या जीरो ग्रेविटी में रहना एक स्ट्रेंजेस्ट थिंग थी वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज दैट वन आई वॉज अबाउट टू स्लीप आई रियलाइज आई वॉज ओनली अवेयर ऑफ माई थॉट्स बिकॉज यू आर वेटलेस यू डोंट फील योर लेग्स और योर बॉडी इट्स अमेजिंग यू कॉन्ट फील एनी थिंग बट योर कॉन्शियसनेस मीन्स कि जब सोते हैं तो uh, केवल कॉन्शियसनेस जो होती है माइंड की वही हमारे साथ होती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसका बिल्कुल भी वेट हमारे शरीर को महसूस नहीं होता तो कॉन्शियसनेस के अलावा आप कुछ भी फील नहीं कर सकते हो जब आप सो रहे होते हो तो ये एक मैजिकल फीलिंग एक अमेजिंग फीलिंग कल्पना चावला के लिए थी हाउ डिड यू फील अबाउट बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इन स्पेस क्वेश्चन क्या पूछा अगला उन्होंने कि स्पेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन बनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ तो कल्पना ने कितना अच्छा आंसर दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट वुमेन थी या सेकेंड वुमेन थी या वो एक स्मॉल टाउन गर्ल थी ये केवल ऐसा काम था जो कि वो करना चाहती थी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी काम आपको मिला वो आप उसने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये आपके लिए मैटर नहीं करता कि आपकी कौन सी रैंक है वुमेन uh, और मैन का कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होता जितने भी क्रू में मेम्बर्स थे वो हम सब क्या थे सेम थे इक्वल रैंक पर हम लोग थे ऐसा नहीं था कि वुमेन uh, होने के कारण या ना होने के कारण कोई भी बेटे किसी को मिलता हो नेक्स्ट क्वेश्चन Did लुकिंग डाउन एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस changes योर कंसेप्ट ऑफ इट अर्थ की तरफ नीचे जब आपने देखा स्पेस से तो क्या आपकी कंसेप्ट इसके बारे में कुछ चेंज हुई इट did हाँ हुई द फर्स्ट व्यू ऑफ द अर्थ इज magical. अर्थ का जो पहला व्यू था वो बहुत मैजिकल था हम सब हिमालय के पास से गुजरे सब लोग जो है वो हिमालय के पास से गुजरना चाहते थे उसको देखना चाहते थे हमने ब्रह्मपुत्र को देखा कि कैसे वो गंगा में जाकर मिलती है और किस तरह से गंगा के डेल्टा जो है वो सीरीन में चले जाते हैं कितना माइंड बॉगलिंग था कि कितनी रेमेंडियस स्पीड से हम लोग जा रहे थे हमने हिमालय जो है वो केवल दो मिनट में क्रॉस किया केवल दो मिनट में पूरे हिमालय का राउंड लगा दिया और क्या आप रियलाइज कर सकते हो माई गॉड विद इन वन आवर एंड ए हाफ वी द होल प्लेनेट केवल एक डेढ़ घंटे में वन एंड हाफ आवर में हमने पूरे प्लेनेट का राउंड लगा दिया ये बहुत ही ओवर पावरिंग रियलाइजेशन होता है कि अर्थ कितनी छोटी है कि डेढ़ घंटे में आपने उसका चक्कर लगा दिया जो एटमोस्फेयर है वो बिल्कुल रिबन के जैसे अलग अलग रंगों में अर्थ को हक करते हुए नजर आता है एडिशनली लैंड सो मच टू इट्स फेगिलिटी इट अफेक्टेड मी आई कुड नॉट गेट ओवर द नोशन दैट इन सच अ स्मॉल प्लेनेट विद सच अ स्मॉल रिबन ऑफ लाइफ सो मच गोज ऑन डिड यू थिंक अबाउट करनाल और इंडिया क्या आपने करनाल या इंडिया के बारे में सोचा वी पास ओवर इंडिया लोर्ड ऑफ टाइम हम इंडिया के ऊपर से कई बार गुजरे एंड समुड थिंक आई हैव बीन देर और मैंने सोचा भी कि मैं वहां पर कभी हुआ करती थी स्पेशली वाईल पासिंग ओवर न्यू दिल्ली स्पेशली जब हम न्यू दिल्ली के पास से गुजर रहे थे यू कूडेंट रियली स्पोर्ट इट बट आई पॉइंटेड इट आउट टू माई क्रू में बट आई रियली डिडन्ट सी कंट्रीज बाई दे आप एग्जैक्टली exactly उसको स्पोर्ट नहीं कर सकते लेकिन मेरे क्रू मेंबर्स से मैंने कहा कि जब मैं, मैं उसके आस पास रहा करती थी वहाँ जो कंट्रीज थी उसको आप नहीं देख सकते एग्जैक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकते केवल वहां की लैंड नजर आती है डज द अर्थ लुक ऑल ब्लू फ्रॉम अप देर क्या ऊपर से अर्थ पूरी ब्लू नजर आती है नो द अर्थ इज नॉट जस्ट अ ब्लू इज ह्यू यू एक्चुअली सी ऑल द कलर सब तरह के कलर उसमें नजर आते हैं स्पेक्चुअल उसकी साइज है एग्जाम्पल के लिए सहारा जब आता है आसपास तो उसका अलग कलर नजर आता है जब ओशियन आता है तो एमरल एमरल्ड ग्रीन नजर आता है और इट्स शॉकिंगली ब्यूटीफुल कौन सा ब्यूटीफुल है जब वो ओशियस को देखती है द सहारा लुक्स गोल्डन ब्राउन सहारा जब आएगा तो वो गोल्डन ब्राउन का नजर आएगा देन यू क्रॉस द नील एंड इट लुक्स लाइक अ डीप डार्क ग्रीन रिबन ग्रीन रिबन के जैसे नजर आता है एंड इमीडिएटली यू कैन टेल वाई इट इज द लाइफ लाइन ऑफ द डेजर्ट तब आप कह सकते हो कि इसको लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है डेजर्ट की किसको नील नदी को तो मीन्स केवल ब्लू कलर नहीं ब्लू कलर नहीं इवन इन सब चीजों को मिलाकर उसके अर्थ का जो कलर है वो डिफरेंट कलर का नजर आता है डू यू सी द दॉल्यूशन आई डिट सी इट इट एंड वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट साइट फॉर इंस्टेंस यू कैन सी स्मोक वी सो स्मोकर्स वंस ओवर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उन्होंने फायर देखी वी ऑल्सो सो स्म लेयर ओवर ताइवान ताइवान के ऊपर धुआं भी उनको नजर आया डिड यू फील इंडियन और अ सेंस ऑफ क्या आपको इंडियन होने का या इंडियन नेस होने का सेंस हुआ

तो डेस्क से हमको स्टार नजर आते थे तो जब हम देखा करते थे स्टार्स की तरफ गैलेक्सी में तो ऐसा फील होता था कि आप किसी पर्टिकुलर लैंड के पार्ट नहीं हो बल्कि आप सोलर सिस्टम का हिस्सा हो जब आप चीजों को थोड़ा बढ़ा कर देखोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि इतनी सारी गैलेक्सीज हैं उन गैलेक्सीज के बारे में आप क्या कहोगे कि आप कहाँ से आए हो अगर आप मिल्की वे का एक पार्ट होते अगर आप स्पेस का एक पार्ट हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया से हो या इंडिया नेस से हो बल्कि आप एक मिल्की वे का पार्ट हो मतलब एक डोट सोच जो थॉट होता है उसके बारे में बताया है डिड द स्पेस फ्लाइट योर फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या स्पेस फ्लाइट ने आप जीने की आपकी फिलोसफी को बदल दिया है आई रियली फील इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ नाउ अब मैं अर्थ के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल फील करती हूँ देर आर सो मेनी पीपल हु आर आर्ग्यूइंग और फाइटिंग ओवर इश्यूज विच डोंट हैव मच लोग जो है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है मस्ट ओल्ड रियलाइज इट इज नॉट वर्थ इट हम सबको ये सोचना चाहिए कि इन सब का कोई महत्व तो नहीं है इट इज लाइक बींग इन दर्ल पूल आर ऑलवेज प्रेजेंट बिहाइंड लिटिल रॉक नियर अ रीवर या हमारे जो झगड़े हमारी जो चीजें है वो एक वर्ल्डपूल है जैसे कि नदी के पास में एक रोवर रॉक रौ, होती है उसके पास जो वर्ल्डपूल बनते रहते हैं उसके जैसा बिल्कुल वी सीम टू बी लिविंग इन दीज लिटिल वर्ल्ड एंड फोर गेट देट देर इज अ होल रिवर हमें इन छोटे छोटे वर्ल्ड पूल को छोड़ते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग जो है वो एक रिवर का पार्ट है द पिक्चर इज मच बिगर पिक्चर जो बहुत बड़ी है वी शुड टेक टाइम टू लुक एट द बिग पिक्चर हमें समय देना चाहिए बड़ी पिक्चर देखने के लिए मीन्स बड़े बड़े जो लाइफ के जो मोटिव हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए छोटी छोटी चीजें छोड़कर इज देर एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस यू वुड कॉल योर डिफाइनिंग मोमेंट इन स्पेस क्या ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है जो आप बताना चाहेंगे स्पेस के बारे में द सनराइज एंड सनसेट It is almost as if everything is in fast forward. It is totally dark, then dark to violet to orange and red. All this right at the thin band of atmosphere and then its sunrise. At the sunset there was a moon, its crescent was a razor sharp and the colors was dusty silver. Then moon raised away from us and was lost in the glow of the earth's curvature. Almost like a storybook that you read as a child. Gosh, I enjoyed every moment up there. क्या बताया है कल्पना ने कि सनराइज और सनसेट का जो मोमेंट है उसको उसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया वहां पर सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड था कि एकदम टोटली डार्क हो रखी है डार्क जो है वो वायलेट में बदली वायलेट से ऑरेंज देन रेड ये सब कुछ इस तरह से हुआ एटमोस्फेयर बैंड में और एकदम से क्या हो गया सनराइज हो गया मीन सनसेट से सनराइज का जो टाइम था वो बहुत जल्दी हो रहा था सनसेट में भी कैसे हुआ कि मोन नजर आया पहले उसका क्रिसेंट रेजर शार्प कलर का था और उसके बाद वो डस्टी सिल्वरी कलर में बदल गया ठीक है तो इस तरह से सनसेट और सनराइज जो था वो बहुत जल्दी जल्दी वहां पर हो रहा था बिल्कुल स्टोरी बुक के जैसे जैसे कि बचपन में तुम पढ़ा करते थे ठीक है और इसके अलावा मैंने वहां का हर मोमेंट जो है उसको एंजॉय किया ओके स्टूडेंट दिस इज ए वेरी इंस्पायरेबल स्टोरी वी कैन नो अबाउट द एटमोस्फेयर अबाउट द स्पेस थ्रू द कल्पनाज स्टोरी कल्पनाज कन्वर्सेशन Uh, now you have to learn the word meaning these are very new words your vocabulary will be increased uh, learn these terms also orbit asteroid maybe you know about this you have learned everything in history i will send the pdf complete all work watch and listen the video carefully and read chapter from the